सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, बात चल रही है चैप्टर कैलोरीमेट्री की. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री कैलोरी से मिला जुला है, तो डेफिनेटली ये हीट से रिलेटेड होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं. बिकॉज द स्टडी ऑफ हीट इज नोन एज कैलोरीमेट्री, और द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हीट और हीट ट्रांसफर, वी कॉल इट कैलोरीमेट्री. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में और इसकी मेजरमेंट्स के बारे में. ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट. तो हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो बेसिकली हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. इसको हम कैलोरी में मेजर करते हैं या जूल में मेजर करते हैं, ये सब चीज़ें हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं. आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. सो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. देखिए, एक मॉलिक्यूल के पास दो ही तरह की एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी. उन दोनों को मिला के हम उसका इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, या टोटल इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, या टोटल एनर्जी बोलते हैं. सो द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स थर्मल एनर्जी. सारे मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी को जब हम ऐड कर देते हैं, टोटल एनर्जी को जब हम ऐड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी. उसको क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी. सो हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर kept in contact. तो हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो यूनिट्स ऑफ हीट में क्या है, कि हीट की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है जूल, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं. कॉमन यूनिट की अगर बात करें तो इसकी कॉमन यूनिट कैलोरी होती है, जिसको हम सी ए एल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो वन कैलोरी इज दैट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस. कहाँ से कहाँ तक? 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. तो एक कैलोरी को अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, या फिर 4.2 जूल के बराबर होती है. ओके, अगर हम आगे इसमें देखें तो दूसरी यूनिट जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, 1 किलो कैलोरी यूज़ करते हैं, बिकॉज कैलोरी काफ़ी छोटी हो जाती है. तो 1 किलो कैलोरी इज़ 1000 कैलोरी, या फिर 4200 जूल्स के बराबर होती है. एंड इसकी डेफिनेशन क्या होगी? 1 किलो कैलोरी इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. वी आर वेरी प्रिसाइज अबाउट द 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज एट डिफरेंट टेम्परेचर वाटर मे बिहेव डिफरेंटली. तो वी हैव स्पेसिफिक रीडिंग्स ऑफ 14.5 टू 15.5. इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कैलोरीमीटर के बारे में, टेम्परेचर, उसके डिफरेंट स्केल्स, उसकी यूनिट्स, लेटेंट हीट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए.